बताएं सर। आज का स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, अगेन ये 52 वीक हाईज को क्रॉस किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और जनरली एक रेगुलर नाम है, मैं कम ऐसे नाम को कवर किया हूं वैसे जेम्स में, बट मुझे ये स्टॉक आज देने का रीजन ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कैसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अच्छा कर रही है, क्योंकि गैस प्राइसेस को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, और सारी कंपनी इनफैक्ट भले आप गेल की बात करें या फिर आप एलएनजी पेट्रोनेट की बात करें, महानगर गैस, ये सब लोग, आईजीएल, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये भी एक गुजरात स्टेट की कंपनी है और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है गैस ट्रांसमिशन में कंट्री के अंदर, मतलब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की प्रमोटेड कंपनी है, बट ये कंपनी बहुत जबरदस्त कर रही है और अच्छा खासा, मतलब मैं बोलूंगा कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने जो ग्रोथ की है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और जो डेट्स लेके जो इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उन पूरे डेट्स को खत्म करना, सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेस वही किया कि कहां, मतलब 2000 करोड़ के डेट से लेकर अब 350 करोड़ के डेट्स पे आ गई है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो गैस ट्रांसमिशन बिजनेस अगेन अच्छा करेगी, और गुजरात तो वैसे ही देखिए हब है और पाइपलाइन नेटवर्क जो सबसे बड़ा इन्होंने बनाया, और यूजर इंडस्ट्रीज लाजमी है कि ये सारे ही जितने भी इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट्स है, पावर प्लांट्स है, ये सब है, और इसमें अब गुजरात गैस की ये 54% स्टेक है तो उनकी ये सब्सिडियरी हो गई। और अब मैं एक बार आता हूँ फंडामेंटल्स पे, क्योंकि बाकी सब बिजनेसेस काफी रेगुलर बिजनेस है तो सब जानते हैं, तो ये 9 के पी मल्टीपल पे है, ठीक है, क्योंकि पीएसयू है तो जनरली सस्ते पी मल्टीपल पे चलती है, बट उसके सामने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज वेरी इंप्रेसिव, दैट इज 36%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 17-18%, 5 साल में देखें तो 24%, और सेल्स की कैगर भी 25% के लगभग रही है, तो 25-25% की ग्रोथ देने वाली कंपनी, 36 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बैठने वाली कंपनी, और डेट्स को रिड्यूस करते हुए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया, इनफैक्ट पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में बहुत ही बेहतरीन रहा, जनरली ये पहले अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती थी, बट अब इन सालों में ये 20 के लगभग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है, तो दिसंबर क्वार्टर भी बहुत बेहतरीन गया इनका, और 351 करोड़ दिसंबर 2021 में जो पैट था उसके सामने 530 करोड़ के पैट पे बैठी है। सो अगेन जो मैंने बोला कि पिछले 2-3 सालों में गजब का काम किया है, जहां ये 1000 करोड़ के नीचे कमाती थी प्री कोरोना, अगर 2019 के पहले की बात करें, अब ये 2500 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कमाई है, और सबसे बढ़िया बात है डेट्स को जो रिड्यूस किया, मैंने बोला कि मैंने 2000 करोड़ का फिगर मार्च 2021 का बोला, बट उसके पहले हाईएस्ट डेट्स जो इनके थे बुक्स में मार्च 2018 में थे वो थे 5400 करोड़, और वहां से अगर आप 344 करोड़ पे आ जाते हो तो यानी कि जो कैश फ्लोज है गजब के, और उसको पूरा रिड्यूस इन्होंने किया है और यूज किया प्रॉपरली, और जनरली जो बाकी जो पीएसयू स्टॉक्स में दिखता है हाई डिविडेंड यील्ड वो यहां नहीं है, क्योंकि इन्होंने डेट्स को कम करना ज्यादा मुनासिब समझा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कॉर्पोरेशन तो ही है मेजर शेयर होल्डर, एफआईआई का गजब का भरोसा है, 17.5% के लगभग एफआईआई, और काफी रिनाउंड और बड़े एफआईआई है, और DIIs भी 25% के लगभग होल्ड करते हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस है, और गुजरात स्टेट की बहुत सारी जो MNCs है, जैसे कि सॉरी वहां की जो PSUs है, जैसे कि आप गुजरात नर्मदा और ये सारे GNFC और ये सब मिला के करीब 10% के लगभग होल्ड करते हैं, तो पब्लिक में बहुत कम शेयर होल्डिंग है इसकी, करीब 7-8% है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में अच्छा एक और माहौल बन सकता है, लाइफ टाइम हाई से 375 का दिखाया हुआ है, उसके सामने मैं टारगेट दे रहा हूँ 340-350। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इस स्टॉक में करें खरीदारी, 340 और 350 के टारगेट 6 से 9 महीने के लिए लेकर चलें, ये है स्टॉक जो पसंद जेन साहब।